डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस कैसे करते हैं? डिटर्जेंट पाउडर मतलब कपड़े धोने का जो पाउडर होता है, जो सर्फ होता है, उसकी जानकारी। तो अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर लगभग सभी लोगों की जरूरत है और सभी लोग इसको खरीदते हैं कपड़े धोने के लिए, और कपड़े धोने के लिए आसान भी होता है। तो इसका मार्केट भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है इसके मार्केट का। तो आप अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन कौन सी मशीनें लगती हैं, कौन कौन से सामान उसमें यूज होता है और कैसे बनता है। तो डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए जो सामान है और जो मशीन भी है उसमें आपको स्लरी, डिकोल, AOS, CBX, साल्ट, सोडा एस और डोलोमाइट और 2 किलो कलर साल्ट, स्क्रीबिंग मशीन, पैकिंग मशीन, मिक्सिंग मशीन। उसमें पहला स्लरी, दूसरा AOS, तीसरा डिकोल, चौथा CBX, पांचवा साल्ट, छठवा सोडा एस, सातवां डोलोमाइट और आठवां 2 किलो कलर साल्ट। ये चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। और मशीनों में आपको 3 मशीन की जरूरत पड़ेगी, स्क्रीबिंग मशीन, पैकिंग मशीन और मिक्सिंग मशीन। तो डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए जो कच्चा माल है उसका आप जो है स्थानीय बाजार में भी उसे आप जो है पा सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पर या गूगल में सर्च करके सभी कच्चे मालों को आप आसानी से कंपनियों से मंगा सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर दे करके। तो डिटर्जेंट पाउडर जो बनाने के लिए जो आवश्यक कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें जो है आपको अपना व्यवसाय जो है अगर आगे बढ़ाना है और किसी भी प्रकार का अगर समस्या ना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको सभी कानूनी प्रक्रियाएं आपको पूरी करनी होगी। तो सबसे पहले आप अपने व्यवसाय को उद्योग आधार में पंजीकरण करवाएं, और यह पंजीकरण ऑनलाइन किसी भी स्थान से आप किसी भी समय करा सकते हैं, और ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इसका आपको पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही साथ वस्तु एवं सेवा कर GST का भी आप पंजीयन कराएं, जो जरूरी है, जैसे कि टैक्स संबंधी, जिससे आपको समस्याओं से बचा जा सके। और आपको अपने बिजनेस का पक्का रसीद भी छपवाना जरूरी होगा। तो डिटर्जेंट जो है वो पाउडर कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? तो डिटर्जेंट निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले स्लरी को एक चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बाल्टी में ले लेते हैं, और फिर उसमें अपेक्षित मात्रा में उसमें AOS, डिकोल, CBX एक के बाद एक करके उसको डाल देते हैं। डिकोल इसलिए डाला जाता है क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर के अंदर अनेक प्रकार के त्वचा को जलाने व झुलसाने वाले तत्व मौजूद होते हैं। इस डिकोल के द्वारा उन सभी तत्वों से जो हाथों और त्वचा की जो है सुरक्षा होती है, मतलब कि उनसे जो होने वाले हानि है उससे बचा जा सकता है। तो अब सभी को एक साथ किसी लकड़ी या प्लास्टिक के डंडे से उसको अच्छी तरह से मिला दीजिए, और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आप अपने खुले हाथ से उसमें मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका जो है हाथ को नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद आपको मिक्सर मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये मशीन जो है ऑटोमेटिक होती है, और इस मशीन में लगभग 55 किलो डिटर्जेंट पाउडर तैयार होता है, और इसके लिए लगभग 45 किलो नमक डालते हैं और 5 किलो सोडा एस डालते हैं, और फिर इसी में 5 किलो डोलोमाइट डाल देते हैं। तो डिटर्जेंट पाउडर को रंग बिरंगा बनाने के लिए 2 किलो कलर साल्ट भी मिला दिया जाता है, और सभी चीजें डालने के बाद इस मशीन को थोड़ा सा चला दिया जाता है। इसके बाद स्लरी, AOS, डिकोल, CBX जो आपके जो बने हुए जो घोल होते हैं उसे मिक्सर मशीन में बड़ी सावधानी से डाल दिया जाता है, और फिर मशीन के बटन को ऑन कर दिया जाता है, जिससे कि डिटर्जेंट पाउडर जो बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। फिर इस मशीन को चलाने के लिए बड़ी मतलब मामूली सा बिजली, या फिर आप अपने घर की बिजली को ही यूज कर सकते हैं। और डिटर्जेंट बनाने से ठीक पहले मुंह और नाक पर आप कोई साफ कपड़ा जरूर बांध के रखें, या फिर आप पर्यावरण मास्क लगा लीजिए, जिससे कि डिटर्जेंट से उठने वाली गंध है उसके जो सूक्ष्म कण होते हैं जो बारीक बारीक, वो जो है आपके नाक या मुंह में न जाए।
तो डिटर्जेंट की मिश्रण तैयार करने के क्रम में मशीन को दोनों तरफ से संचालित करते हैं, मतलब कि ऐसा भी करते हैं जिससे कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो डिटर्जेंट में बारीकी बनी रहे, मतलब कि उसका जो पाउडर है वो पूरी तरह उसमें गगर या पत्थर ये सब ना रह जाए उसको। इसके बाद मिश्रण को स्क्रीमिंग मशीन से चाल लेते हैं, मतलब जैसा जैसे आटा चालते हैं वैसा आपका जो डिटर्जेंट पाउडर है अब वो बनकर तैयार हो गया है। तैयार डिटर्जेंट पाउडर को 1 किलो और 1/2 किलो के पैकेट में भर के आपको पैकिंग मशीन की सहायता से पैक करना है। इसके बाद आप जो है आपका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो बेचने के लिए तैयार है। अब बताते हैं जो मशीन की लागत क्या है, उसमें आपका खर्च कितना आएगा। डिटर्जेंट पाउडर के व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुल जितनी भी मशीनें हैं 3, उनको खरीदने पर लगभग 45,000 से 3 लाख रुपए तक का लागत आता है। यदि सीधे कंपनी से अगर मशीनों की खरीदारी अगर करते हैं तो कंपनी के द्वारा मशीन के साथ आपको एक प्रशिक्षित व्यक्ति भी आपके व्यवसाय मतलब कि जहां आप अपना बिजनेस करते हैं वहां तक आपको एक आदमी भी आएगा और सभी मशीनों को सेट करके आपको जो है पूरी तरह से आपको बताएगा और जो पूरी संचालन प्रक्रिया है उसकी आपको जानकारी देगा। और इस मशीन का रखरखाव बहुत सस्ता है, मतलब सरल है। तो आप जो है अगर इस बिजनेस में अगर उतरना चाहते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक बेसिक जानकारी है जो मतलब कि आपके फर्स्ट स्टेप के लिए सबसे बेहतर हो सकता है आपकी मदद के लिए। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दिया जैसे फिर बेसिक जानकारी है, और अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है पूरी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको कहीं डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले फैक्ट्री में आपको साल से मैंने काम करना होगा या फिर आपको कोई ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए जो इस बिजनेस को पहले से कर रहा हो, जो आपको बता सके सारी चीजें कैसे करना है क्या करना है। तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल तौर पर आप इस बिजनेस को करने से पहले पूरी जानकारी लें और इस बिजनेस को देखें समझें इसमें क्या होता है कैसे होता है सब कुछ। थोड़ी बहुत जानकारी लेके अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए कोई भी बिजनेस करने से पहले उसकी पूरी तैयारी कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसका एक मैप तैयार कीजिए कैसे होता है क्या होता है, इसके बाद ही आप उस बिजनेस में उतरें तो आप जो है सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। तो ऐसे ही बिजनेस से संबंधित जानकारी के लिए या फिर कैरियर से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।